वैशाख शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली जानकी जयंती संपूर्ण भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, तो माँ सीता वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट हुई थी। सीता शक्ति, इच्छा शक्ति, तीनों रूपों में शक्ति तथा ज्ञान मानी जाती है। वह परमात्मा की शक्ति का स्वरूपा भी है। अगर भगवान राम विष्णु के अवतार हैं तो माता सीता भी लक्ष्मी का स्वरूप है। जैसे रामनवमी शुभ फलदायी माना गया है, उसी तरह सीता नवमी भी फलदायी है। कहा जाता है कि जो भी इस दिन माता सीता की पूजा अर्चना भगवान राम के साथ करता है और व्रत रखता है, तो उस पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं जानकी जयंती में किस तरह से पूजा करें। मान्यता है कि सीता नवमी व्रत पूजन की तैयारी एक दिन पहले से ही करनी चाहिए, यानी कि अष्टमी के दिन से ही घर की साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई के बाद पूजा घर या किसी साफ स्थान पर गंगा जल को छिड़क कर उस स्थान को पवित्र कर देना चाहिए, जिसके बाद वहां पर मंडप बनाए जा सके। मंडप 4, 8 या 16 स्तंभ का ही होना चाहिए। इस मंडप के बीच में एक आसन लगाए और उस आसन पर माता सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित करें। अगर प्रतिमा संभव ना हो तो उनके चित्र भी रख सकते हैं। इसके बाद कलश की स्थापना कर व्रत का संकल्प लें। नवमी के दिन स्नान कर माता सीता और भगवान श्री राम की पूजा करें और दशमी को विधि विधान से मंडप पर विसर्जन करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य, सुख व संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन किया गया व्रत परिवार में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि करने वाला होता है। एक और मत के अनुसार माता का जन्म क्योंकि भूमि से हुआ था, इसलिए वह अन्नपूर्णा कहलाती है। माता जानकी का व्रत करने से उपासक में त्यागशील, ममता और समर्पण जैसे गुण आ जाते हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।